इस डॉग जो ब्रीड है, इस ब्रीड का नाम हम लोग BSD बोलते हैं, जिसको बेल्जियम शेपर्ड डॉग। इनको दूसरे नाम से भी हम लोग बुला सकते हैं, जिसको बेल्जियम मेनेलोइस बोला जाता है। इस मेलिनोइस प्रजाति का जो डॉग होता है, इसका फोर्स, बाइट फोर्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आक्रामक होता है। इसलिए इंडियन आर्मी के अंदर इन डॉग को एज ए असॉल्ट डॉग सिलेक्शन किया गया है। 3 मंथ के स्टार्टिंग में ही इनको सिलेक्ट कर लेते हैं एज ए असॉल्ट डॉग, कौन सा डॉग बनेगा। जो सबसे ज़्यादा आक्रामक होता है वही डॉग को हम लोग एज ए असॉल्ट डॉग सिलेक्ट करते हैं। और 36 वीक का ट्रेनिंग के साथ इनको आगे का जो कार्रवाई है, हम लोग वेदर को देखते हुए, अपने टेररिज्म एक्टिविटी को देखते हुए इनको बेहतरीन से बेहतर ट्रेनिंग देने का प्रयास करते हैं। हमारे इंडियन आर्मी के हर जहाँ पे डिप्लॉयड है इंडियन आर्मी, यहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में जो जंगल एरिया है या पहाड़ी एरिया है, इस हर जगह में नेचुरल ऑब्स्टिकल हो या बनावटी ऑब्स्टिकल हो, उसको पार करने का क्षमता इनके अंदर है। इनका फुर्ती, बहादुरी और जज्बा को देखते हुए इंडियन आर्मी में अपने असॉल्ट डॉगों के लिए इस बेल्जियम मेनेलोइस को सिलेक्ट किया जाता है। जब ये जो असॉल्ट डॉग हो या कोई भी किस्म का आर्मी डॉग हो, अगर अपने कार्य के दौरान अगर शहीद होते तो उनको प्रॉपर तरीके से एक जैसे फौजी शहीद होने के बाद उनको श्रद्धांजलि दिया जाता है, सेम वैसे ही एक डॉग अगर शहीद होता है उनके लिए भी सेम टू सेम श्रद्धांजलि दिया जाता है। उनके सब को लिया हम लोग लेके आते हैं, उनका कफिन के अंदर उनको देके और अपने तिरंगे के साथ लपेटे हुए उनको हमेशा श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे विशिष्ट अधिकारी जो है उन सेरेमनी में आते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और बाकी जो डिटेल किया हुआ फौजी आते हैं वो लोग भी अपना श्रद्धांजलि उनको प्रदान करते हैं। जूम एक बहुत ही बेहतरीन डॉग था। हमारे ट्रेनिंग के टाइम में असॉल्ट डॉग का जब ट्रेनिंग चल रहा था, जूम एक बहुत ही बहादुर डॉग था। और इस डॉग को दिसंबर के टाइम में 2021 दिसंबर के टाइम में अपने जम्मू कश्मीर में उसको तैनात किया गया है, जो कि आरवी सेंट्रल स्कूल से लाया गया था। और उसके बाद से उसका जो एडवांस ट्रेनिंग है वो इस जम्मू कश्मीर के एरिया के अंदर धीरे धीरे बढ़ता गया और वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने लग गया। जूम ने सर देखिए बहुत ही अच्छा काम किया, उसने इतने सारे जवानों की जान बचाते हुए अपने परिदानों वो प्राणों का बलिदान दिया है। तो ये जो इसकी ट्रेनिंग 2010 में आरवी सेंट्रल कॉलेज मेरठ में शुरू हुई थी, जो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिकी सील कमांडो ने जो कायरो नाम के डॉग का ये इस्तेमाल किया था, वो एक असॉल्ट बेल्जियम मेनेलोइस डॉग ही था। तो उसी के आधार पर ये ट्रेनिंग शुरू हुई और इसका हमारे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है।